आजकल हर जगह टिकटॉक का बोलबाला है, खासकर यंग जनरेशन के बीच टिकटॉक का अलग ही क्रेज दिखाई दे रहा है। वहीं अब बॉलीवुड सितारों के बीच भी टिकटॉक काफी पॉपुलर होता जा रहा है। हालांकि कई बॉलीवुड सितारे ऐसे भी हैं जो इस ऐप को पसंद नहीं करते, लेकिन साफ है कि विद्या बालन उन स्टार्स में से नहीं है। विद्या ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है। इस फनी टिकटॉक वीडियो को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में विद्या का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। यहाँ विद्या ने एक पंडित की आवाज में लिप सिंक करते हुए कहा है कि शास्त्रों के अनुसार हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सी देवी एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। शास्त्रों के अनुसार हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सी देवी एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। विद्या ने इस वीडियो का कैप्शन देते हुए कहा, कुछ टैक्टुक टाइम पास। इस वीडियो को केवल 2 घंटों में ही 1,35,00,000 व्यू मिल चुके हैं। विद्या के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में रेड कलर की साड़ी में विद्या खुद यहाँ किसी देवी की तरह ही लग रही हैं और उनका बोलने का देसी लहजा भी लोगों को खूब भा रहा है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ये लुक और अंदाज विद्या की किसी आने वाली नई फिल्म के लिए हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं अगर बात करें उनके वर्क फ्रंट की, तो विद्या मशहूर साउथ सुपरस्टार और राजनेता NTR की बायोपिक में नजर आई थी, जिसमें उनके किरदार की काफी तारीफ हुई थी। विद्या इसके अलावा अपनी फिल्म मिशन मंगल को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। वो इस फिल्म में तापसी पन्नू और अक्षय कुमार जैसे सितारों के साथ काम कर रही हैं। ये फिल्म इसरो के वैज्ञानिकों की लगन और कड़ी मेहनत की कहानी है। इस फिल्म को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, शर्मन जोशी, नित्या मेनन और कीर्ति कुल्हाड़ी जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे अक्षय और विद्या के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। टीजर के साथ ही इस फिल्म से काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। ऑडियंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं।